ओम शांति। साथियों, स्वागत है आपका शांत सोल में। जैसे कि आपने वीडियो की थंबनेल में देखा, हम सब अलग अलग सोर्सेज से मोटिवेट तो बहुत जल्दी हो जाते हैं, पर उतनी ही जल्दी सारा मोटिवेशन ऐसे गायब हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। आज के वीडियो में हम पहले कुछ सिचुएशंस, इसके कारण और फिर इसके परमानेंट सॉल्यूशन की बात करेंगे। दोस्तों, कुछ सिचुएशंस के साथ शुरुआत करते हैं। पहला, आप एक टीनेजर हैं, जिस किसी भी फिटनेस मॉडल को आप पसंद करते हैं उसकी फोटो या वीडियो देखकर आप एकदम से मोटिवेट हो जाते हैं कि मैं भी अब तो एक महीने में ही सिक्स पैक एब्स बना लूंगा, इस मॉडल के जैसी बॉडी बना लूंगा, कल से जिम शुरू, डाइट शुरू वगैरह वगैरह। पर दो दिन के बाद वो डाइट, जिम प्लान्स न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। दूसरा, आप एक स्टूडेंट हैं, आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स या आपका कोई मेंटोर आपको समझाते हैं, मोटिवेट करते हैं कि पढ़ाई की आपके जीवन के लिए कितनी अहमियत है। विश्वास मानिए, सब बातें आपको समझ भी आ जाती हैं और तो और उनमें से 80% बातें आपको पहले से पता भी होती हैं। इस बार के मोटिवेशन से आप एक नई ऊर्जा के साथ शुरुआत करने की ठान भी लेते हैं, पर कुछ घंटों के बाद सारी ऊर्जा, सारे मोटिवेशन की बैटरी लो हो जाती है। तीसरा, आप बिजनेस या जॉब करते हैं, आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर या अपने किसी मेंटोर को देखकर या सुनकर बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं कि अब तो दुनिया को ही बदल दूंगा, सारी दुनिया को दिखा दूंगा कि क्या चीज हूं मैं। पर जितना जल्दी आप इतने ज्यादा मोटिवेट या एक्साइट हो जाते हैं, उतनी ही जल्दी वो सब खत्म भी हो जाता है और आपकी सारी उम्मीदें, सारे सपने शेख चिल्ली की तरह अगला दिन निकलने तक न जाने कहां गायब हो जाते हैं। साथियों, अगर आप भी ऐसी ही किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। हम इसमें इन सब परेशानियों के कारण और इनके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब पहले इनके कारण पर बात कर लेते हैं। पहला, मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया है कि हम इंस्टेंट मोटिवेट होके जो प्लान्स बनाते हैं या जो भी सपने सजाते हैं, हम उन्हें भूल जाते हैं। दूसरा, काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हम खुद से ही बहाने बनाने लगते हैं, जैसे आज तो बहुत थकान हो गई है, अब पढ़ा नहीं जाएगा या वर्कआउट नहीं किया जाएगा, आज तो बहुत बिजी हूँ, जिम जाना कैंसिल कर देता हूँ वगैरह वगैरह। तीसरा, हम बहुत बड़े बड़े गोल्स बना लेते हैं, जैसे जो बच्चा ठीक से पास भी नहीं हो पा रहा वह सोचे कि अब तो टॉप मैं ही करूँगा, या फिर जिनका बिजनेस ठीक से भी नहीं चल पा रहा है वो सोचे कि जल्दी ही मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी होऊंगा, या फिर जिनको फास्ट फूड खाने की बहुत आदत है वो एकदम से सिर्फ बॉइल्ड फूड पर ही शिफ्ट हो जाएं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह सब काम पॉसिबल नहीं है, ये सब हो सकते हैं और बेशक आप भी कर सकते हैं, पर उसके लिए सही तरीका ज़रूरी है। आइए अब बात करते हैं उस सही तरीके की, इन सब के सॉल्यूशन की। सबसे पहले, जो कुछ भी आपके प्लान्स हैं या जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उन्हें लिखिए, छोटी छोटी शीट्स बनाकर उन्हें अपनी स्टडी टेबल, बेडरूम, बेडरूम की सीलिंग, वॉशरूम, स्टेयर्स आदि में लगाएं, जिससे हर वक्त वो आपकी नज़र में रहें। इससे आपके गोल हर वक्त आपको याद रहेंगे। दूसरा, आपका गोल जितना मर्जी बड़ा हो, पर खुद को छोटे छोटे टारगेट्स दें। जो खराब आदतें आपने अब तक के जीवन में बनाई हैं उन्हें एकदम से छोड़ना मुश्किल है। आपकी विल पावर की भी एक लिमिट है, वो भी आपके शरीर में होने वाले बायोलॉजिकल प्रोसेस से हार जाती है। इसलिए उन आदतों को छोटे छोटे टारगेट्स की मदद से हटाएं, जैसे लगातार 10 घंटे पढ़ना नहीं बल्कि रोज पढ़ना जरूरी है। धीरे धीरे समय के साथ आप अधिक देर तक भी पढ़ पाएंगे, परंतु शुरू में ही 10 घंटे का टारगेट बनाना आपके दिमाग को पहाड़ जैसा लगता है, फिर आप खुद से ही बहाने बनाते हैं और मुझसे नहीं हो पाएगा मानकर हार जाते हैं, या फिर रोज जिम जाना जरूरी है, जरूरी नहीं कि रोज 2 घंटे के लिए जाया जाए। तीसरा, जब भी आपको लगे कि आपसे नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे, जब आप सोचें कि आपने शुरू क्यों किया था,
और साथियों वो रीज़न आपको फिर से नई ऊर्जा और आप में नया जोश भर देगा, जिससे आप अपने टारगेट्स को पूरा करते हुए अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। चौथा, दोस्तों सफलता धैर्य रखने वालों के पास खुद चलकर आती है। किसी भी सफल आदमी की जीवनी उठाकर देख लो, एक दिन या एक सप्ताह में सफलता नहीं मिलती, हर काम में उचित समय जरूर लगता है। उदाहरण के लिए मुझे यूसैन बोल्ट का एक किस्सा याद आ रहा है। 9 सेकंड की दौड़ की तैयारी के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है। तो धैर्य बनाए रखिए, जो आप सोच सकते हैं वो बेशक आप कर भी सकते हैं। दोस्तों अंत में कुछ शब्द कहना चाहूँगा, ना उससे है ना मुझसे है, तेरी लड़ाई तो खुद से है। तो साथियों लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, मेडिटेशन और एक्सरसाइज करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, घर पर ही रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।